मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, ये अपने पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन अपन देखते हैं, समझना बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऐसे बोल रखा है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, आपको डिफरेंट पेयर्स बनाने हैं जितने भी पॉसिबल हो, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, जो भी आपने पेयर बनाए उसमें कितने पॉइंट्स हर एक में कॉमन है और कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, मतलब जितने भी केस पॉसिबल है डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स के, आपको सारे केस बनाने हैं। देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ, पेयर मतलब आपको दो दो के पेयर फॉर्म करने हैं। सपोज देखो मैं फर्स्ट पेयर ले रहा हूँ, सपोज मैं फर्स्ट पेयर ऐसा बना दूं कि आपके दो सर्कल्स हैं वो आपस में टच नहीं कर रहे, ये आपका फर्स्ट पेयर हो गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेयर है, मतलब इसमें क्या है कि ये आपके सर्कल्स दोनों अलग अलग हैं, इनमें कोई आपका पॉइंट कॉमन नहीं है, ये आपका फर्स्ट पेयर हो गया। सेकंड पेयर में ऐसा बनाता हूं, देखना आप ध्यान से, सेकंड पेयर में ऐसा बनाता हूं, ये आपका सर्कल हुआ है ना, ये सर्कल हुआ और मैंने इसके अंदर ये बना दिया जो कि इसके अंदर है, जो कि आपका इसके अंदर है ना, ये हमने सपोज सेकंड केस लिया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये आपका सेकंड केस हुआ, लिख दें अपन भाई जितने भी केस पॉसिबल है वो आपको सारे बनाने हैं, क्योंकि इसने बोल रखा है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, ये आपका सेकंड केस हो गया। थर्ड केस में ऐसा ड्रॉ कर दूं, ध्यान से ध्यान, जो आपके टच कर रहे हैं एक दूसरे को, जैसे ये आपका फर्स्ट सर्कल, ये हमने बनाया है कुछ इस तरीके से, एक मिनट रुको, जो इसको टच, देखो जो इसको ये एक पॉइंट पर टच कर रहा है, ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, मतलब आपको सारे केस शो करने हैं कि सारे केस कैसे होंगे। ये हो गया तीन केस टच हो गया, ये आपका सेपरेट था, इसके अंदर ये, और केस क्या पॉसिबल है, अपन ऐसा कर दें, ध्यान से देखना, ये आपने कर दिया, इसमें एक केस और क्या पॉसिबल है, एक केस देखो इसमें आपका ऐसा पॉसिबल होगा, देखो ये हमने बनाया, ठीक है, ये हमने बनाया और इसमें अपन एक और सर्कल लेते हैं, देखो मैं इसको ऐसा बना रहा हूं जो कि इसको ऐसे कट कर रहा है, दो पॉइंट्स पर कट कर रहा है, ये आपके चार केस हो गए बेटा, इसमें क्या है कि ये आपके दो पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं, ये आपके दो पॉइंट ये हैं, ठीक है, आपने सारे केस बना दिए, फर्स्ट केस में वो कोई टच नहीं कर रहे, सेकंड में ये इसके अंदर आ गया, थर्ड में आपके क्या है कि दोनों आपके ये एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, फोर्थ में क्या है कि दो पॉइंट्स पर आपस में कॉन्टेक्ट पर हैं। तो यहां से आपने ये डिफरेंट पेयर्स तो बना दिए, अब आपसे पूछा है कि हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, देखो बेटा इसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, ना तो इसमें कॉमन है, इसमें आपका एक पॉइंट कॉमन है, इसमें आपके दो पॉइंट कॉमन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, तो इसमें जब इसमें आप टच नहीं कर रहे तो बेटा इसमें कोई कॉमन पॉइंट तो होगा ही नहीं, और हम समझ में आ रहा है कि अपन क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? Yes. भाई देखो इसमें आपका कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, ना तो इसमें कॉमन है, इसमें एक कॉमन है, इसमें दो कॉमन है, तो यहाँ पर लिख दें, तो आप क्या लिखोगे जो आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर है, हाउ मेनी पॉइंट्स, तो क्या लिखोगे क्लियरली, क्या लिख दोगे आप क्लियरली, क्या लिख देंगे, दीज पेयर्स मे हैव, क्लियरली दीज पेयर्स मे हैव, एक बिंदु क्या बोल दो, उसको बोल दोगे आप जीरो, एक पॉइंट कॉमन नहीं है, जीरो और एक पॉइंट कॉमन, तो लिख दिया अपन ने वन और टू पॉइंट्स इन कॉमन, ये तो इस पार्ट का आंसर हो गया, एक भी कॉमन नहीं है तो वो आपका जीरो हो गया, एक पॉइंट कॉमन है तो आपका वन हो गया और ये आपका टू हो गया, ये हो गया। फिर आपसे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, मैक्सिमम कितने बेटा, टू ही है, इससे ज्यादा होंगे नहीं, तो आप क्या लिख दोगे, आप क्या लिखोगे, दस, क्या लिख दोगे, क्या लिखोगे, दस अ पेयर ऑफ सर्कल्स, दस अ पेयर ऑफ सर्कल्स, अ पेयर ऑफ सर्कल्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नॉट इंटरसेक्ट, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट मोर देन टू पॉइंट्स, मतलब इसका मतलब ये क्या है कि आपके मैक्सिमम टू पॉइंट्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, मोर देन टू पॉइंट्स, मतलब जो आपके दो सर्कल्स हैं वो मैक्स ज्यादा से ज्यादा टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, तो मैक्सिमम का मतलब क्या है कि मैक्सिमम आपके टू पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। तो समझ में आया ये क्वेश्चन, आपने डिफरेंट पेयर्स बना दिए, मतलब जिसमें एक भी पॉइंट कॉमन ना हो, एक हो और दो हो, हाउ मेनी पॉइंट्स, तो जीरो वन और टू हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे, टू होंगे। तो अरम समझ में आया ये क्वेश्चन, बताओ yes, आ गया समझ में ये क्वेश्चन, तो ये इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या बेटा, अपन क्लास